हमले हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और इस बीच बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, 6 पीएसी की कंपनियां भेजी गई हैं बहराइच में, और बहराइच में बवाल के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मौजूद हैं, मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं, सुरक्षा बल सड़कों पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, पीएसी की 6 कंपनियां भेजी गई हैं और सड़कों पर लगातार सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हुए हैं और इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। तो बहराइच में बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी आज भी, और आज आगजनी और तोड़फोड़ होने के बाद खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसीएस होम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं। गेनिंग कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन, वी हैव मोबिलाइज्ड ऑल आवर फोर्स एंड वी आर ट्राइंग टू डिस्पर्स ऑल द पीपल, ऑल द मिस्क्रिएंट्स हु आर क्रिएटिंग सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। यस यस, इट इज अंडर कंट्रोल। डीएम और एसपी, आपने सुना मोनिका रानी जो बहराइच की डीएम है, वृंदा शुक्ला जो एसपी है बहराइच की, दोनों ने कहा कि अब हालात हम कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं और हालात अब नियंत्रण में है। उपद्रवियों को सड़कों से भगाया गया है, लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए और अब पुलिस फोर्स ही सिर्फ नजर आ रही है सड़कों पर, हालात अब काबू में है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आग का कहर देखने को मिला है। आग की